अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान खान फ्राम PMS बॉयज़ 1। दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 1 एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 1 फ्राम एक्सरसाइज 4.6। लेक्चर नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, और इसके लिए रो नंबर 1 में गिवन है a माइनस 1 इनटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इनका फाइंड कीजिए। अब अगर हम इसको सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, क्लास 2-3 में हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्चुअली इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूलास, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फार्मूले यूज होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इक्वल है ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a plus b और a square minus a plus b square को अगर हम इनका product find करें, इनको multiply करना start कर दें, तो इससे ये वाला result आता है। इसी तरह a cube minus b cube जो कि equal है a minus b into a square plus a plus b square, अगर हम इन दोनों को multiply कर दें तो इससे ये result आएगा। तो इस exercise में जितने भी question दिए गए हैं, यानी question number 1 में भी और 2 में भी, वो formula की इस side में इस शेप में गिवन है। लाइक अगर मैं कह दूं कि फार्मूले के राइट हैंड साइड की शक्ल में गिवन है और हम लोगों ने कंपैरिजन करना है इस फार्मूले के राइट हैंड साइड के साथ क्वेश्चन का, एंड देन अगर कंपैरिजन करने से ये इक्वल आता है रिजल्ट तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब फार्मूले के इक्वल है लिहाजा क्वेश्चन को भी हम लोग फार्मूले के थ्रू राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला लिखता हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हो a माइनस 1 और यहां पर a माइनस b, यहां पे ये फार्मूले में है b की जगह 1 यूज हो रहा है, तो मैं यहां पर इसके नीचे फार्मूला लिखता हूं a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिलहाल मैं फार्मूले की ये दूसरी साइड a क्यूब माइनस b क्यूब यहां पे नहीं लिखता, जो इस तरह है चलिए लिख लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला है। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को और फार्मूले को प्रूव करने के लिए कि ये क्वेश्चन फार्मूले की साइड में इस शेप में कन्वर्ट है, मैं फार्मूले से क्वेश्चन बना लेता हूं। कैसे, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 1, फार्मूले में a की जगह a पुट करता हूं एंड b की जगह 1 पुट कर देता हूं। सो अब a की जगह मैं यहां पुट कर देता हूं a माइनस b की जगह पुट कर दिया मैंने 1, एंड देन यहां पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं a की जगह a होल स्क्वायर फिर प्लस a की जगह अगेन a ही पुट करेंगे लेकिन b की जगह पे पुट करूंगा 1 एंड देन b की जगह 1 का स्क्वायर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जब a का स्क्वायर ले उससे a स्क्वायर ही बनता है, a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उससे a ही बनता है और 1 का स्क्वायर लेने से 1 बनता है। तो इट मींस कि हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, मैंने क्वेश्चन के एक छोटे से पार्ट को उठा के उसमें मैंने a की जगह a पुट कर दिया, लेकिन कहते हैं कि लेट्स सपोज a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 1 और उसको फार्मूले में पुट कर दिया, तो फार्मूले की एक साइड से एक्चुअली बन गया क्वेश्चन। चलो अच्छा, तो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पे a की जगह a और b की जगह 1 पुट कर दिया तो उससे क्वेश्चन बन गया। तो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया a की जगह a और b की जगह 1, तो मैं राइट हैंड साइड की जब में भी हम लोग a की जगह a पुट करेंगे एंड b की जगह 1 पुट करेंगे। अब जब मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करता हूं a माइनस 1 को a से इज लिखते हैं, अगर इसको देखा जाए तो a का स्क्वायर लेने से a स्क्वायर ही रिजल्ट आता है, a को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं a ही रिजल्ट आता है और 1 का स्क्वायर लेने से 1 आता है। तो आप लोग देख सकते हैं फार्मूले से बाकायदा क्वेश्चन बन गया, फार्मूले से बन गया क्वेश्चन। तो इट मींस कि जब फार्मूले से क्वेश्चन बन सकता है तो इट मींस ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली गिवन है इन द वन साइड ऑफ अ फार्मूला, ये एक्चुअली फार्मूले की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली दूसरे साइड के इक्वल होगा, जो कि मैंने वहां वैल्यू पुट की है a क्यूब और 1 की क्यूब लेने तो उससे 1 आता है। सो इट मींस कि a माइनस 1 इनटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इससे a क्यूब माइनस 1 आएगा, लेकिन हम लोग इसको थ्रू फार्मूले के थ्रू प्रूव करेंगे a क्यूब माइनस 1 हमारा जो है तो
आंसर हो जाएगा। बस स्पीड। पार्ट नंबर 3 आपके क्वेश्चन नंबर 1 a + b * 64 - ab + b स्क्वायर। इस बार हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं a + b * a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर जो कि इक्वल है a³ + b³ के। रीजन क्या है? a और b के दरमियान पॉजिटिव का साइन है तो हम लोग जब फार्मूला के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं तो a और b की जगह a + b है। सो a³ + b³ = a + b² / a + b² वेन यू पुट करते हैं, लेट्स सपोज पुटिंग a = 8 एंड b = b, मैंने एक ये वाला फैक्टर उठाया a + b, इसमें 8 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को और b रिप्रेजेंट कर रहा है b को। 8 की जगह 8 पुट कर दिया, b की जगह b पुट कर दिया। कहां फार्मूले में a की जगह मैं 8 पुट करता हूं प्लस b की जगह b ही पुट कर देते हैं, फिर a की जगह 8 होल स्क्वायर माइनस a की जगह 8 b की जगह b एंड अगेन b की जगह b होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। जब मैं फार्मूले के एक साइड में a की जगह 8 एंड b की जगह b पुट करूंगा तो राइट हैंड साइड के भी फार्मूले में a की जगह 8 पुट करूंगा और b की जगह b ही पुट करूंगा होल की। अब 8 + 8 + b एंड यहां 8 के स्क्वायर से 64 आता है माइनस a b और यहां पर प्लस b स्क्वायर रिजल्ट आता है और वहां पे 8 का क्यूब ले लीजिए तो 8 के क्यूब का मतलब है कि 8.8.8 माइनस b क्यूब। अब 8 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आप देखिए 8 + b 64 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने जब फार्मूले में ए की जगह ए बी की जगह बी पुट किया तो फार्मूले से बन गया क्वेश्चन और फार्मूला इक्वल था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जब हम ए की जगह ए और बी की जगह बी पुट करेंगे तो उससे जो आंसर वहां पे आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा। सो इसको मैं ए से लिखता हूं 8 + b * 64 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 और 64 को इस थर्ड टाइम 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 4 जा 32 3 के 8 6 जा 48 और 3 51 इससे रिजल्ट आता है 512 और साथ आ जाएगा माइनस बी क्यूब। सो 8 + b * 64 माइनस a b + b स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली इक्वल है 512 माइनस b क्यूब के। यही जो है तो हमारा आंसर हो जाता है और यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 हमारा खत्म।